अपने नाम के साथ। जी, मैं करमजीत कोरी फकीरदासपुर से। जी, मैं यहाँ पे एडमिशन लेने के पहले यहाँ पूरा एरिया का सर्वे किया था। जी, पूरा विद्यालय, जितना विद्यालय है करीब करीब, जैसे बीकापुर में ज्योति पब्लिक गया, भरत कुंड में EMGS हो गया, जी, उसके बाद लिटिल फ्लावर हो गया अभी में, उसका भी, और यहाँ पे डायमंड भी गया था मैं। जी, और उधर एक है वहाँ पर नसर कर रहे हैं मीतापुर के पास, वहाँ भी गया था। हाँ, तो सबका सर्वे करने के बाद मुझे डिसीजन ये अच्छा मिला कि ये विद्यालय सबसे बेटर है। जी, इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, इसलिए उनसे मैं बहुत 35। बहुत धन्यवाद। जी, इसलिए तो मैंने यहाँ पे अपने बिटिया का एडमिशन लिया। तो कैसे चल रही है बिटिया अभी? अभी किस तरह चल रही है? यहाँ से जाने के बाद वो खुद उनको फोन करके कहती, पापा मैं मैम ने ये बोला है, जैसे मतलब कोई चीज़ हो, मतलब फ्रूट का नेम हो रहा हो, तो बोलती पापा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ बेटा हमें नहीं मालूम है। तो मैं ही बोलती इतनी बड़ी आप हो गए, आपको नहीं मिले, मेरी मैम ने हमको ऐसे बोला सिखाया। जी, तो ये सब जान बहुत खुशी हो। चलिए, थैंक यू हमारे टीचर्स के लिए, आप एक ऑक्सीजन दे रहे हैं। और इस तरह से मैं पेरेंट्स चाहता हूँ। ओके, थैंक यू मैम। आपसे जब अपने बच्चे का एडमिशन स्टार्टिंग में करवाया था तो कुछ बच्चे के साथ में कुछ बातें थी, जैसे बच्चा बहुत धीरे वर्क करता था, किसी काम को बहुत अच्छा करता नहीं था। तो आज लगभग सितंबर स्टार्ट हो गया है और आप PTM में हो, तो कैसा बच्चे का रिस्पांस रहा, आप उस पर बताएंगे, टीचर्स का कैसा सपोर्ट रहा? इसमें तो जो है सबसे ज़्यादा तो टीचर का ही सपोर्ट रहा। जी, क्योंकि जो है हमारा बच्चा थोड़ा कम, हाँ, अपनी दिल की बात कम कह पाता था। हाँ, जी, अब उसके में जो है पढ़ाई में या कुछ भी स्कूल में होता है, या मैम ने हमें ये बताया, मैम ने हमें ऐसा कहा, ये सारी बातें अब बताने लगा है। हाँ, और इसका हमने पेपर देखा। जी, उसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी सारे, मतलब जैसे सारे पेपर भी अच्छे हैं। जी, और पहले मात्रा उन्तरा नहीं, मतलब एकदम नहीं पता था। जी, अब कुछ मात्रा भी बताने लगा है। हाँ, जी, और घर में भी थोड़े बहुत वर्ड इंग्लिश में बोलता है, नहीं तो पहले नहीं बोलता था। वाह, सुपर। अभी जैसे बाथरूम जाना, मम्मा गो टू टॉयलेट, और नहीं तो पहले मम्मा मैं जाऊँ, ऐसे करके बोलता था। लेकिन सुबह उठने पर भी एक गुड मॉर्निंग, रात में सोते समय भी गुड नाइट मम्मा, मतलब ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो है, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, अब धीरे धीरे, हाँ, अब एक साथ तो आएगा नहीं, ना, बिल्कुल, लेकिन एक दो ऐसे चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सीख। तो इनकी मैम को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, इनकी मैम को अब पता नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन बस इतना ही कहना है कि थैंक यू कहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, कि मतलब सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं, हमारे बच्चे को तो भाई बहुत ही ज़्यादा सभी के सभी हो चुके हैं। बिल्कुल, अब कोई चीज़ भी होता है तो तुरंत कॉल करती है हमारे पास, तुरंत आज ऐसा हुआ है, मैम देखिए आपके बच्चे में ऐसा है, या आप और बताइए हम क्या इसमें सुधार करें। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी। फ्राइडे को शायद, हाँ, फ्राइडे को, फ्राइडे को, फ्राइडे को, हाँ, हर फ्राइडे को कॉल जाती है। जी, ओके, थैंक यू। पहले से बेहतर है बिटिया का एक्टिविटीज कैसा चल रहा है घर? जी, घर पे खुद बैठती है? नहीं, भी पढ़ते हैं खुद, जब डांस पढ़ते हैं तभी पढ़ती है, अपने से अपने आप से बैठती कि नहीं बैठती? नहीं बैठती, अपने आप से नहीं बैठती है, बहुत डांटते हैं तभी पढ़ती है। तो मोबाइल देखती है? मोबाइल देखती है। चलिए, ठीक है, ठीक है। इनके रिस्पॉन्स कैसे हैं अभी? ठीक है, 35 नंबर आए हैं, मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। थोड़ा राइटिंग का थोड़ा, राइटिंग पर फोकस करना है। अपने घर में कोई है जिसकी राइटिंग अच्छी है? दो लोग के राय में। तो एक काम करिए ना, एक गेम होता है कि बच्चे से गेम खेलना है आपको, कि देखो मेरी राइटिंग अच्छी कि आपकी राइटिंग अच्छी, तो ऊपर की लाइन में आप लिखिए और सेकंड लाइन में इनको देख लीजिए। जीतना तो आप जानते हैं किसको जीतना है, ठीक है ना, उन्हीं को जिताना है, लेकिन पेरेंट्स ऊपर की लाइन में हम लिखते हैं, नीचे बच्चे को लिखने का टाइम दीजिए। निश्चित रूप से ये 100% मान के चलिए कि बच्चा आपसे अच्छा करने का कोशिश करेगा और अच्छी राइटिंग ऐसे इंप्रूव कर जाएगी, लेकिन इसको फॉलो करिएगा, है ना। थैंक यू। जी, मेरा नाम पुष्पा वर्मा है, मैं रामपुर भगन में ही जूनियर विद्यालय में टीचर हूँ, और मेरी बच्ची प्ले स्कूल में SD मेमोरियल रामपुर भगन में पढ़ती है। जी, और स्कूल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ
कि हमारे क्षेत्र में इस तरह से बच्चे अभी तक जो नहीं कर पा रहे थे, हम भी चाहते थे छोटा बच्चा स्कूल जाए, प्ले क्लास से वो स्टार्ट करे ताकि जो मैनर है वो शुरू से सीखे। तो आप ये स्कूल खुलने से हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तब से डे बाई डे एक परिवर्तन देख रहा हूँ स्कूल में के इंफ्रास्ट्रक्चर में, टीचरों में और बच्चों की एक्टिविटीज़।